नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अल्ट्रा वीपीएन को अपने मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हो। जी फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने मोबाइल में फ्री में फास्टनेट सर्वर को कनेक्ट करके यूज करना चाहते हैं तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको अल्ट्रा वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप किसी भी अदर कंट्री के फास्टनेट सर्वर को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अल्ट्रा वीपीएन में वीपीएन सर्वर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आप भी अपने मोबाइल में वीपीएन सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले गाइज आपको प्ले स्टोर से अल्ट्रा वीपीएन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज यहां पर आपको नीचे की साइड में बहुत सारी कंट्री देखने को मिल जाती है। तो गाइज जिस भी कंट्री के सर्वर को आपको कनेक्ट करना है, सिंपली गाइज आपको उस कंट्री पे क्लिक करना है। तो गाइज यहां पर मैं किसी एक कंट्री के सर्वर को कनेक्ट करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं टोक्यो के सर्वर को कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टोक्यो पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज यहां पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद गाइज यहां पर आप देख सकते हो आपका जो वीपीएन सर्वर की कनेक्टिंग है वो यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो वीपीएन सर्वर है वो यहां पर कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप अल्ट्रा वीपीएन में किसी भी कंट्री के सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइज अगर आप इस वीपीएन सर्वर को यूज करने के बाद इस एप्लीकेशन से डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली गाइज आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहां पर आपको डिस्कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो हमारा जो वीपीएन सर्वर है वो यहां से इस एप्लीकेशन से डिस्कनेक्ट हो चुका है। और गाइज अगर आप इस एप्लीकेशन में प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो यहां पर दोस्तों ऊपर की साइड में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज यहां पर आप इस एप्लीकेशन में प्रीमियम प्लान भी ले सकते हैं। इसके बाद गाइज यहां पर आपको बहुत सारी कंट्री के फास्टेस्ट सर्वर इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल में अल्ट्रा वीपीएन में वीपीएन सर्वर कनेक्ट करके अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी।